लीजिए गाइस, तैयार है हमारी गर्मा गर्म कॉर्न भजिया। हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू फूड प्रोडक्शन। तो गाइस, आज हम दोबारा से बनाएंगे एक और कॉर्न रेसिपी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम जो है बरसात का है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो यार क्यों ना हम इस मानसून सीजन को सेलिब्रेट करें कॉर्न रेसिपी के साथ। तो अब तक मैंने दो रेसिपी तो कॉर्न की बना दी है, तो ये रेसिपी एक और है, तीसरी रेसिपी कॉर्न से बनेगी। तो ये रेसिपी आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी क्योंकि ये रेसिपी है हमारी कॉर्न भजिया। तो कॉर्न से हम भजियाँ तैयार करेंगे, तो ऐसे मौसम में तो यार भजी खाने का मज़ा जो है काफ़ी मज़ा आता है, गर्मा गर्म चाय के साथ वो भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट और देखते हैं कि मैंने ये भजिया किस तरह से तैयार की है। तो लीजिए गाइस, तैयार है हमारी गर्मा गर्म ये कॉर्न भजिया, यानी कि भुट्टे से बनी हुई भजिया। तो गाइस देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी जो है अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और क्रिस्पी भी जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, और कलर भी इसका जो है काफ़ी बढ़िया जो है कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। तो यार काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, काफ़ी डिलीशियस लग रही है। चलिए गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इसकी टेस्टिंग और फिर बताता हूँ आपको इसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा हो रहा है। चलिए मैं करता हूँ टेस्टिंग स्टार्ट। तो मेरे पास है ये हरी चटनी, तो ये हरी चटनी बनाई गई है धनिया पुदीने से। तो एक्चुअली ये मम्मी ने बना के रखी थी पहले से, तो मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप कोई भी चटनी बना सकते हैं, कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं करता हूँ टेस्टिंग स्टार्ट। तो पहले तो बिना चटनी के टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट देखते हैं कैसा है इसका। तो यार काफ़ी बढ़िया इसका जो टेस्ट आ रहा है, और क्रिस्पी भी जो है उतने ही बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो रखे हैं, और मसाले जो मैंने इसमें डाले हुए हैं तो वो मसाले जो काफ़ी बढ़िया जो है टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर मैं नमक की बात करूँ तो यार इसमें परफेक्ट नमक डाला हुआ है, ये नहीं है कि कम हो रहा है और ये नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है, तो एक परफेक्ट बैलेंस में हमारा नमक भी पड़ा है। उसके अंदर मैंने कड़ी पत्ते का भी यूज़ किया हुआ है, तो कड़ी पत्ते वाली ये भजिया हम देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। तो यार काफ़ी बढ़िया जो है टेस्ट आ रहा है कड़ी पत्ते का, और ये कड़ी पत्ता जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिस्प हो रखा है, जैसे हमारी भजिया क्रिस्प है वैसे ये जो है
कड़ी पत्ता भी हमारा क्रिस्प हो रखा है, तो खाने में जो है काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है कड़ी पत्ते का। आपको पता ही है कि कड़े पत्ते से कितना बढ़िया जो है एक टेस्ट आ जाता है, काफ़ी बढ़िया एक स्वाद आ जाता है। तो चलिए अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसको चटनी के साथ भी, और देखते हैं चटनी के साथ कैसा हो रहा है। तो यार चटनी के साथ तो और गजब हो रहा है। इस चटनी भी जो है काफ़ी एक बेहतरीन तरीके से बना रखी है, काफ़ी परफेक्ट एक चटनी बनी हुई है। और ऊपर से चटनी जो है ठंडी है क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। तो यार गर्मा गर्म भज्जी के साथ ये ठंडी ठंडी चटनी लगा के खाने में जो है जो आनंद आता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि कोटिंग की। कोटिंग करने के लिए इसकी हमने क्या यूज़ किया है, बेसन का यूज़ किया है। तो बेसन प्लस मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया, यानी कि आरोरूट का यूज़ किया है क्रिस्पी करने के लिए। लेकिन आरोरूट का यूज़ हम जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, सफिशियंट अमाउंट में हम इसका यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि हम ज़्यादा डाल देंगे क्रिस्प करने के लिए। अगर हमने जो है ज़्यादा डाल दिया तो ये क्रिस्पी के छोड़ो इतने हार्ड हो जाएंगे कि आप खा नहीं पाएंगे, इतने बिल्कुल जो है कड़क हो जाएंगे। इसलिए जो है आरोरूट का यूज़ जो है एक लिमिट में करना है, या फिर 2 चम्मच या लगभग 3 चम्मच से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से 3 चम्मच आरोरूट जो है काफ़ी सफिशियंट है इसको क्रिस्प करने के लिए। चलिए मैं तो करता हूँ इसको ख़त्म, और आप भी अपने घर में बनाइए और गर्मा गर्म कॉर्न भजिया का बरसात के मौसम में आनंद लें, वो भी गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।